हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग का टाइम है। क्या बोलूँ मैं, ये वीडियो तो जाएगी कल। सो एसटी मिश्रा पुखराया व्लॉगर में आपका स्वागत है। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और ये मतलब कल मैंने वीडियो जो डाला था उसके जस्ट बाद ये तुरंत मैंने दूसरा वीडियो बना लिया था, और ये कल ही जाएगा वीडियो। यहाँ पे मुझे किचन को करना था खाली। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों लोग लगे हुए थे, सारे डिब्बी डब्बा बाहर रखने थे, तो मैं इनको ना कमरे में रख रही थी। और खाना तो बना लिया था मैंने, तभी मैंने खाली की थी, इसलिए मैंने कल जल्दी जल्दी खाना बनाया। इस कि हमें किचन खाली है तो खाना की कोई टेंशन नहीं थी, बन चुका था। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें प्लीज़, वीडियो का फुल एंजॉय करें। जो मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए, और वीडियो को फुल एंजॉय करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे भैया निकाल रहे थे रैक्सीन को, और ये मैंने बहुत ही प्यार से लगाई थी, मुझे देख के दुख भी हो रहा था, और थोड़ा सा मतलब कि इतनी मेहनत से मैंने इतने अच्छे से सब सजाया था, सब सारा बेकार। और यहाँ पे सारा सामान इस कमरे में बिखरा पड़ा था, मैंने ऐसे ही लगा दिया था कि जब बन जाएगी तो सारा सामान हम किचन में अच्छे से सेट करेंगे। और मैं ना अपनी मतलब पुरानी मेमोरी, जो पुरानी यादें हैं, सब सारी मोबाइल में कैप्चर करके रखूँगी, ताकि मैं कभी मतलब बाद में अपनी घर को देखूँ कि पहले मेरा ऐसा था, और देख के मुझे अच्छा लगे। मतलब अपने घर की पुरानी यादें अपने साथ रखना चाहती थी, और फिर तो सारा बदल जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे मेरी बन चुकी थी चाय, भैया लोगों को भी देना था, और काफ़ी काम करते करते ना बहुत थक गए थे हम लोग। हैप्पी आई थी कि बाबा चाय मंगा रहे हैं जल्दी से दो मम्मा, तो मैं जो काम कर रहे थे भैया उनको भी देने जा रही थी, और अपने लिए, हैप्पी के लिए, सबके लिए बनाई थी। और मैं उनको चाय के साथ मतलब बिस्किट भी दे रही थी। मैं चाय दे के आ गई, और हस्बैंड भी खड़े थे, तो हैप्पी बोले पापा इधर देखो, मैं आपकी भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, जल्दी जल्दी से पी लो आके चाय, फिर मत कहना बुलाया नहीं। और ये फ्रेंड्स,
मेरा था मॉर्निंग का टाइम और मेरे बाल ना काफ़ी कल गंदे हो गए थे काम करते करते धूल मिट्टी में, फिर मैंने आज वॉश किए बाल। और मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी आज भिंडी की सब्ज़ी, और भिंडी मैंने वॉश कर ली थी कल जब आई थी, लेकिन मैं दोबारा फिर से करती हूँ तो वहाँ पे जो कटोरा दिख रहा है आपको उसमें पानी पड़ा था और मैं भिंडी उसी में भिगोई थी पूरी। और इसको मैं कुछ लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरीके मतलब ऐसी भिंडी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो और जब हम सारी भिंडी अपनी कट कर लेंगे तो इनको मतलब एक जालीदार जो मैं जिसमें कट कर रही थी वो जालीदार एक प्लेट थी, सो उससे जो पानी मतलब जो धुली भिंडी थी तो उसका पानी निचुड़ जाएगा। और जब पानी उसका ख़त्म हो जाता है, भिंडी हमारी तभी अच्छी लगती है अगर पानी रहता है तो उसमें पता नहीं कैसा मतलब एक लस टाइप में रहती है, सो भिंडी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। और इस फिर हम काट रहे थे प्याज, प्याज को भी हमें लंबे लंबे टुकड़ों में काटना है। और जितनी मेरी भिंडी थी मैंने उतना ही प्याज कट किया था, और भिंडी में जितना अच्छा प्याज कट करो उतना ही अच्छा उसका स्वाद होता है। और मैं यहाँ पे रोती भी जा रही थी, मतलब काटते काटते ना मेरे आंसू भी आ रहे थे। और मैंने कढ़ाई को रख दिया है चूल्हे पे और तेल भी हमारा काफ़ी अच्छा गर्म हो गया था, और इसमें डाल देंगे प्याज और इस और मिर्च मैंने एक ही डाली है क्योंकि कोई खाता नहीं है, मेरे ससुर जी भी नहीं खाती हैं, उन्हें भी खाना देना था, और हैप्पी भी नहीं खाती हैं, हम तो खा लेते हैं, हम बाद में अपनी एक्स्ट्रा डाल लेते हैं जितनी हमें खानी होती है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है प्याज, इसको हमें इतना भूनना है जब तक मतलब हमें ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे, सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तभी हम डाल देंगे सारे मसाले। और मसालों में हम डालते हैं सिर्फ हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला, और इसमें ऐड कर देंगे कलर मसाला भी थोड़ा सा, अच्छा इसमें कलर आता है, फ्लेवर इसका अच्छा आता है। तो सभी मसाले थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे और हम फिर इसमें डाल देंगे अपनी भिंडी। और नमक भी हमें अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक अगर डाल देंगे तो पानी छोड़ देती है, फिर उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके मतलब स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। और यहाँ पे फिर हमारा आ गया था दूध, दूध को भी हम जल्दी से निकाल लेंगे, काफ़ी गर्मी हो रही है तो अब दूध ख़राब होने का भी डर रहता है। तो दूध हमारे पापा जी आ गए थे तो वो ही लेके आए थे, और यहाँ पे एक तरफ मेरी भिंडी पक रही थी, दूसरी साइड रख दूँगी मैं दूध को बॉयल होने के लिए। और मैंने दूध अपना छान लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध फैल भी गया था तो मैं पोछा मार रही थी, और एक साइड रख दिया मैंने दूध और एक साइड मेरी पक रही है सब्जी। सो फ्रेंड्स देखो आप लोग, हमारी सब्जी इस तरीके से हो गई थी, मतलब भिंडी पक चुकी थी तब हमने इसमें ऐड किया था नमक, और इसमें हम ऐड करेंगे इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला से हमारी सब्जी का फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है और अच्छा भी लगता है खाने में। और यहाँ पे मैं कट करने लगी थी खीरे को क्योंकि मुझे खीरे का रायता मतलब डेली ही पसंद है, और मैं पहले भी बताती हूँ गर्मी आ गई है तो मुझे खीरे का रायता या बूंदी का रायता चाहिए, और इस समय खीरे आ भी रहे हैं तो फ़ायदेमंद भी होते हैं गर्मी में, तो मैं ज़्यादातर खीरे का रायता ही बनाती हूँ। तो हमने खीरा अच्छे से छिलका निकाल लिया है, अब इसको हम कर देंगे कद्दूकस। और फ्रेंड्स ये जो हमारा कद्दूकस है ना ये बहुत काफ़ी मतलब पुराने टाइम का है, जब मेरी शादी होके आई थी तब ये कद्दूकस मेरे घर पे था, मतलब काफ़ी टाइम पुराना है, मम्मी ने ख़रीदा था मेरी सासू माँ ने। और यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया था और इसमें मैं ऐड कर दूँगी खीरा, और इसमें लगा दूँगी हींग जीरा का तड़का,
और मैं ना जब तड़के को लगा रही थी तो वीडियो तो शूट कर रही थी बट कैमरा वो चालू नहीं था, तो मुझे इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी रायता मसाला, इससे ना रायता का स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें ऐड कर देंगे हम जो काला वाला नमक आता है और थोड़ा सा वाइट वाला नमक, और दोनों नमक मिक्स करेंगे तो उसका स्वाद मैं बता रही हूँ बहुत ही बढ़िया आता है। और आप लोगों को खुशबू अगर आ रही हो तो प्लीज़ जल्दी आइए और खा लीजिए आके, मुझे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और मैं यहाँ पे बना रही थी परेठे, क्योंकि मेरे ससुर जी को खाना था तो वो मतलब नीचे खा रहे थे। अगर वो अंदर खाती हैं जो चौका होता है, जो मतलब किचन के अंदर खाती हैं तो वो रोटी खाती हैं, अगर किचन के बाहर तो वो परेठा ही खाएंगे, रोटी नहीं खाते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं वो इसलिए। और मैं यहाँ पे उनके लिए जल्दी से बना रही थी परेठे, कमरे में काफ़ी गर्मी लग रही थी। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग के लिए थाली तैयार है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। शो यहाँ पे गर्मा गर्म परेठे बन चुके हैं और आप लोग भी आओ, मैं काफ़ी बार बुला चुकी हूँ। और यहाँ पे एक सब्ज़ी और बनाई थी मैंने आलू की, सो वो नहीं दिखाई थी क्योंकि लेंथी होती है फिर वीडियो और दिक्कत भी हो जाती है ज़्यादा, फिर अपलोड नहीं होती है। और यहाँ पे हस्बैंड देने गए थे पापा को खाना और मैं बनाती जा रही थी, वो खिलाते जा रहे थे गर्मा गर्म। और गरम परेठे खाने में अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, सो मैं गरम गरम उनको खिला रही थी। और दूसरी साइड हस्बैंड का भी टाइम हो रहा था जाने को, सो उनके लिए हमें बनानी थी रोटियां, तो पापा तो खा चुके थे, फिर उसके बाद मैंने रोटियां बनाई थी, क्योंकि ये परेठे वरेठे नहीं खाते हैं, पूड़ी परेठा नहीं खाते हैं कुछ। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन चुकी थी, फिर हमें करनी थी गैस को क्लीन। अपने खाना बना के मैं डेली करती हूँ इसको, अच्छे से साफ करके यहाँ पे झाड़ू पोछा मार दूँगी। और मैं इस रूम में आ गई हूँ, उस मतलब किचन ही मेरी, मतलब अब यही मेरी किचन बन चुकी है, जब तक मेरे किचन का काम नहीं होगा तो यही रहेगी हमारी किचन स्टोर रूम में ही। और यहाँ पे मुझे लगानी थी झाड़ू, काफ़ी आटा आटा फैल चुका था, मतलब कहीं पड़ा हुआ था, सो मैं इसमें झाड़ू मार के पोछा लगा के फिर मैं करूँगी दूसरा भी काम, मतलब काफ़ी बर्तन हो गए थे उनको भी वॉश करने हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने फैमिली दोस्तों को भी शेयर कर दें। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और नवरात्र का टाइम है तो जय माता दी। सो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन मैंने बाय बोल